सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो अब तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो हिस्ट्री वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने कंप्यूटर की स्टार्टिंग से लेकर उसकी जनरेशन तक सारा हमने अच्छे से पढ़ा है। तो आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, क्या काम करता है और डेटा क्या है, क्योंकि कंप्यूटर किस पर आधारित है, डेटा पर आधारित है, और इंफॉर्मेशन क्या होती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं, वी ऑल नो अबाउट अ कंप्यूटर, हम सब जानते हैं कंप्यूटर क्या है। तो क्या है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यह क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली एक मशीन है। ये लाइन आप कक्षा सेकंड से सुनते आ रहे होंगे, परंतु इलेक्ट्रॉनिक तो फैन भी है, वॉशिंग मशीन भी है, मिक्सी भी है, तो बहुत सारे साधन इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, बट ऑल आर नॉट अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर क्यों है? तो यदि इसका फुल फॉर्म देखा जाए और फुल फॉर्म के आधार पर इसका निष्कर्ष निकाला जाए कि वास्तव में इसको कंप्यूटर क्यों कहा गया है, तो देखो, सी से होता है कॉमन ओरिएंटेड मशीन फॉर पर्टिकुलर यूज इन ट्रेड, पी से ट्रेड, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। तो एक ऐसी मशीन है जो यूज की जाती है हमारे ट्रेड व्यापार में, ई मतलब एजुकेशन में, आर मतलब रिसर्च में। और रिसर्च किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, चाहे वो मेडिकल से संबंधित रिसर्च हो, या फोरकास्टिंग करनी हो, भविष्यवाणी करनी हो आपको, या आपको स्पेस के बारे में जानना हो, तो ये सभी प्रकार के रिसर्च में काम आता है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, पर इसको कंप्यूटर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत सारे काम कर सकता है, ये एक ही डिवाइस बहुत सारे काम कर सकती है। तो समझते हैं एक एक चीज पॉइंट्स को यहां पर। देखो, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड टू इट एंड गिव्स टू द डिजायर्ड आउटपुट। ये क्या करता है? हमसे इनपुट लेता है, हम इसको इनपुट देते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस को मिलते हैं उनको अकॉर्डिंग क्या करता है, हमको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, आउटपुट के ऊपर रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, सही सही रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। जैसा आप इनपुट दोगे वैसे ही आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा, और एट अ वेरी फास्ट रेट, बहुत जल्दी करेगा, फास्ट काम करेगा। कंप्यूटर आर वेरी वर्सिटाइल सो दे डू लॉट ऑफ डिफरेंट टास्क सच एज। तो ये एक वर्सिटाइल है, मतलब डिफरेंट प्रकार की टास्क एक साथ पूरी कर सकता है, और उसमें डिफरेंट में क्या क्या है, सॉर्टिंग, डेटा को सॉर्टिंग कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकता है, बुकिंग एयरलाइंस की टिकट्स हो, रेलवे की हो, मूवी की टिकट हो, उन सभी टिकट्स को आप बुक कर सकते हो बैठे बैठे अपने घर से कंप्यूटर के माध्यम से, एंड इवन प्ले गेम, और आप गेम भी खेल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के टास्क को आसानी से पूरी करने वाली एक डिवाइस है। कौन कौन सी टास्क? अभी देखा हमने, मौसम की भविष्यवाणी करवानी हो, कहीं का टिकट बुक करवाना हो, कहीं का मतलब बुकिंग वगैरह एयरलाइंस की, रेलवे की एंड मूवी वगैरह की, और की मतलब लेना आप, और गेम खेलना हो, उन सब में ये काम कर सकता है। तो ये तो थी कंप्यूटर की स्मॉल डेफिनेशन, जिसको आपने समझा, हमने समझा, और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब बात करते हैं डेटा क्या है। तो डेटा, देखो, जो भी आप कोई भी आपने पेन से कागज पर लिख दिया वो एक डेटा है। कीबोर्ड से आपने कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर दिया वो क्या, एक डेटा है। और वो डेटा यदि सही प्रकार का है तो क्या कहलाता है, एक इंफॉर्मेशन कहलाती है।
तो इन दोनों लाइनों को मैंने एक साथ जोड़ के आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब थोड़ा समझ लेते हैं। इट इज द टर्म यूज फॉर रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। रो फैक्ट मतलब कच्चे तत्वों पर आधारित है, ठीक है, कच्चे तत्वों पर आधारित है। जैसे 134 नंबर लिखा हुआ है, प्लस 9 कोई नंबर लिखा हुआ है, राजू एक नाम लिखा हुआ है, सी, ठीक है, ये सब क्या है, एक डेटा है, आर द डेटा। डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन एज गिवन एट द वर्ड फाइल। हम जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं नेक्स्ट लाइन से करते हैं फाइल के अंदर। इन द कंपोज फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम लाइन इमिडिएटली आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ डेटा। तो जो भी लाइन स्टार्ट होगी वो एक डेटा से होगी, ये फिक्स है। तो जो भी आप टाइप कर रहे हो वो डेटा कहलाती है। अब इंफॉर्मेशन की बात करें, अब जो डेटा आपने टाइप किया हुआ है तो डेटा रिप्रेजेंट इन द यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म इन इंफॉर्मेशन। तो जो भी डेटा आप टाइप कर रहे हो उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है, कोई अच्छी चीज, यूजफुल चीज वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, दैट द डेटा इज रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा मटेरियल है डेटा, दैट प्रोसेस टू गिवन मीनिंगफुल, जिसको प्रोसेस किया जाता है एक मीनिंगफुल अर्थ देने में, ऑर्डर और स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं इसका, क्या है इंफॉर्मेशन, राजू इज 9 ईयर ओल्ड। तो ये राजू लिखा हमने, इज 9 ईयर ओल्ड, तो राजू क्या है, 9 साल का है। तो एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है, एक सही इंफॉर्मेशन निकल के आती है, पता चल रहा है कि राजू 9 साल का है। तो दिस इंफॉर्मेशन अबाउट राजू एंड कन्वे द सम मीनिंग, तो राजू के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो अर्थफुल कोई आप लिख रहे हो वो इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। मीनिंगफुल मीन्स होना चाहिए उसका, डेटा तो कुछ भी लिख सकते हो आप, पर तो उसका मीनिंगफुल कुछ निकल के आ रहा है, यूजफुल कुछ निकल के आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। दिस कन्वर्सेशन दैट द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द डेटा प्रोसेसिंग। अब हम जो भी डेटा को लिखते हैं करते हैं उसका क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। सो ये तो था डेटा क्या है, कंप्यूटर क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, उनसे संबंधित जानकारी। अब जो टॉपिक चलेगा अपना फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आप देखो ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे संबंधित हम बातें इस अगली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इनपुट क्या है, एंड ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली जो वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट क्या है, क्योंकि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मेमोरी क्या है, रजिस्टर क्या है, ALU क्या है, CPU क्या है, CU क्या है, ये सबसे संबंधित चर्चा हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो जरूर देखें उस चीज के लिए। आज हमने जो डिस्कस किया है, स्पॉल डिस्कशन था, जो आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो मैंने हिंदी में बोला है, ठीक है, उसको समझ के उसे नोट डाउन जरूर करें और याद करें, तो एग्जाम टाइम पर आपकी होगी। सो कहीं कोई डाउट आपको लगता हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें, और मैंने देखा है बच्चे प्रॉपर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, और ना ही उनकी कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ना कोई कमेंट्स आ रही है कि उनको कैसा वीडियो लग रहा है, कुछ सुधार की गुंजाइश है, कुछ और सुधार करना है, या कुछ और आपको चाहिए, या इतना ही इनफ है। तो यस या नो में जो भी आपको पसंद हो, पॉजिटिव नेगेटिव किसी प्रकार की कमेंट्स आप जरूर करें, हमें बताएं, प्रतिक्रिया हमारी इस वीडियो पर कमेंट्स के माध्यम से देते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम और अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए जय हिंद जय भारत।